गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ठीक है। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया था, टाइप्स ऑफ फंजाई, ओके, टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है। तो मैंने टाइप्स ऑफ फंजाई में क्या क्या बताया था, कितने टाइप, सैप्रोफिटिक फंजाई, ठीक है, एंड पैरासिटिक फंजाई, ओके, सैप्रोफिटिक फंजाई एंड पैरासिटिक फंजाई, विच इज द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफी, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि फंजाई भी कई सारे क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है, फंजाई के कौन कौन से क्लासेस हैं, ओके, फंजाई कौन कौन से क्लासेस हैं, फंजाई कौन कौन से क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस, एंड ब्यूटोमाइसिस। ये जो क्लासेस फंजाई की डिवाइड की गई है, ये किस बेसिस पे की गई है, डिवाइड टॉपिक्स नोट कीजिए, नोट कीजिए, टू फंजाई, ओके। नाउ दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट एक्सेस एंड टू फंजाई आर डिवाइडेड इन रिस्टार्ट कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज एंड सम एक्सरसाइज टू फंजाई, ओके। सो पहला टू फंजाई डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग क्लासेस आर दोस मिनिमल फॉलोइंग क्लासेस, उन जंतु या पशुओं को क्या कहते हैं, फॉलोइंग क्लासेस, प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ उनको खाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड सेफलोपोड्स, एच ई आर बी आई बी ओ आर बी ओ, बेसिस कहते हैं शाखा, स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने आप लोग को बताया था माइसिलियम किसे कहते हैं, उनके बॉडी को, ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइसिलियम, ओके। और माइसिलियम किससे बना होता है, हाइफी से, ठीक है। तो यहाँ पे उसी बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, माइसिलियम के बेसिस पे फंजाई को डिवाइड किया गया। और एक चीज है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस को अब आश्रित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो ये दो रीजन है, ठीक है, इन दोनों रीजन के बेसिस पे फंजाई को इन चार क्लास में डिवाइड किया गया, अंडरस्टूड। एनिमल प्रोडक्ट का नाम बताओ, जो अब हम बारी बारी से हर एक क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। नाम भी कौन सा ही होता है, खाने में कौन यूज करते हैं, ओके। तो वे टू डीकंपोजर आफ्टर देयर फूड, ठीक है, जो डीकंपोजर होते हैं वो कहां से अपने फूड को प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, डीकंपोजर ऑब्टेन फूड फ्रॉम दे प्लांट एनिमल। तो डीकंपोजर सबसे पहले हम फाइकोमाइसिस को डिस्कस करेंगे, दे प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन एनिमल एंड प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर ईटिंग पॉपकॉर्न तो डीकंपोजर को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आपके टॉपिक से नहीं बैठे, मैंने छोड़ दिया है, जो भी इस क्लास में ऐड है, मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है सर वो आप से करेंगे, मार्क करके बताने कौन कौन से फॉर्म लेने हैं आपका, मैं उसे चेक करूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के इन दिस क्लास इंक्लूडेड इन दिस क्लास काइंड ऑफ लोअर फंजाई, ठीक है, जितने भी फंजाई इस क्लास में इंक्लूड है फाइकोमाइसिस में, वो किस उनको क्या कहते हैं, लोअर फंजाई। मक्का पैरले
बाजरे बाजरे स्पेलिंग सर ठीक है। तो इस क्लास का पंजाबी किस क्लास में वो सारे पंजाबी की लोड है कौन से पंजाबी की लोड है लोअर पंजाबी ठीक है। फाइकोमाइसिस के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिस मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिस आर फाउंड इन एक्वाटिक एल्गी What do we call two animals that eat one thing? Plant being. And plant plants. पौधे पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इस क्लास के मेंबर्स को हम लोग एल्गर पंजाबी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू वी कॉल दो एनिमल दैट फीड ऑन डे एंड प्लांट्स एल्गर पंजाबी चंदू एनिमल्स को ओके जो भी मेंबर्स फाइकोमाइसिस के एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं उनको हम कहते हैं क्या कहते हैं एल्गर पंजाबी ओके उन्हें हम क्या कहते हैं एल्गर पंजाबी और सेकेंड पॉइंट का है नेम एन एनिमल प्रोडक्ट यूज्ड टू मीन ऐसे एनिमल प्रोडक्ट का नाम ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो अगर वो फाइकोमाइसिस के मेंबर एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं या फिर किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं ठीक है सरवाइव करते हैं ठीक है। तो इन सबको इन सारे मेंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे एल्गल फंजाई ओके। और हम आ जाते हैं तो माइसेलियम पे कि फाइकोमाइसिस में जो माइसेलियम होता है यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर्स फंजाई का वो कैसा होता है ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि माइसेलियम ऑफ द फाइकोमाइसिस इज एक्सेप्टेड और असेप्टेड ओके। तो इस बात को करना जरूरी है तो नोट कर लीजिए माइसेलियम माइसेलियम ठीक है। तो इस फाइकोमाइसिस क्लास में पंजाबी के फाइकोमाइसिस क्लास में जितने भी मेंबर आते हैं सबका जो माइसेलियम होता है वो सीनोसिटिक असेप्टेड होता है ठीक है। कैसा होता है माइसेलियम अभी मैं बता रहा हूँ कि सीनोसिटिक क्या होता है असेप्टेड क्या होता है। सीनोसिटिक असेप्टेड ओके सीनोसिटिक देखो सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है जो उनकी बॉडी होगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी क्या होगी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड उनके बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ओके। और ये असेप्टेड का मतलब क्या कि उनके बॉडी में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे सेप्टा यानी कि डिवीजन ठीक है। ठीक है तो माइसेलियम के बारे में हो गया। अब बात करेंगे इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फाइकोमाइसिस में किस किस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मैं आपको एनसीईआरटी को पूरा ब्रीफ में इलैबोरेट करके बता रहा हूँ ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है किस किस तरह से कैसे कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स अप्लाइनोस्पोर्स एंड कोनिडिया बाई जू स्पोर्स अप्लाइनोस्पोर्स एंड
ओनिडिया फॉर्मेशन पर। मुझे पता है कि आप लोग को अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। इट इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मैं आपको कल के लेक्चर में, आने वाले कल के लेक्चर में, मैं आपको क्या करूंगा, इस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज अभी आप फिलहाल के लिए इसको याद कीजिए और इसको लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने इसको बताया, ठीक है। मैं कल आपको इसको डिस्कस करूंगा ताकि आप उस पर फोकस करें, समझ में आई बात। ठीक है, और इस क्लास के फाइकोमाइसिस क्लास के जिस मेंबर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो कौन कौन सा होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आप लोग देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई, आइसोग्रामस एंड ऊटामस, ठीक है। आइसोग्रामस एंड आइसोग्रामस एंड ऊगामस, ठीक है। कल के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए मैंने आज बता दिया कल, ताकि आप लोग थोड़ा सा आपको तुरंत दिमाग में सटे, ये कैच कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, इसको पूरा तैयार कर लीजिए। फाइकोमाइसिट्स आपका क्लियर हो गया, अब हमें नेक्स्ट पढ़ाना है एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो आज के लिए थैंक यू।